गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो जो है हेल्थ के ऊपर होने वाली है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आज की डेट में कोरोना वायरस और लोगों को जो है सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो दोस्तों ऐसे में हम मोदी केयर के ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं, टी ट्री ऑयल, मोदी केयर का टी ट्री ऑयल और जो है ये अमृत शक्ति, ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन प्रोडक्टों को हम यूज करके दोस्तों इन दोनों का हम स्टीम लेकर जो हमारी सांस की प्रॉब्लम है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं लाइव आपको दिखाने वाला हूँ कि इन दोनों को हम स्टीम कैसे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि इन दोनों को हम स्टीम कैसे ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमको क्या करना है, ऐसे एक पतीला ले लेना है। पतीला लेने के बाद दोस्तों गर्म पानी लेना है। गर्म पानी ले दोस्तों, आप कांच का भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, इस तक गर्म पानी डाल देना है। देखिए दोस्तों ये गर्म पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया। और दोस्तों गर्म पानी डालने के बाद जो है अब हमको क्या करना है, इसके अंदर जो है दोस्तों टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें हमने डाल देनी है, लमसम 7 से 8 बूंदे। ये हमने टी ट्री ऑयल की 7 से 8 बूंदे डाल दी। और उसके बाद क्या करना है, अमृत शक्ति की दोस्तों 3 से 4 हमको टैबलेट कैप्सूल्स लेनी है, इस तरह की सॉफ्ट कैप्सूल्स लेनी है। इनको क्या करना है दोस्तों, ऐसे पंचर करना है। पंचर करने के बाद इनका भी लिक्विड हमने इसके अंदर डाल दिया। और दोस्तों ये बहुत ही कारगर और आजमाया हुआ नुस्खा है। दोस्तों ये चीज़ जो है मैं भी पर डे जो है यूज करता हूँ, 3rd से 4th दिन यूज करता हूँ। दोस्तों ये मैंने जो है 2 कर दिए हैं दोस्तों लमसम, मैं तो जो है दोस्तों 3 करता हूँ। तो आप जो है जितनी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा आखिरी में कि हम ये इसको किस किस चीज़ में यूज कर सकते हैं, हमको ये कैसे कैसे फ़ायदा देने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने ये कर लिया है, इसके अंदर 3 जो है कैप्सूल और टी ट्री ऑयल के 7 से 8 बूंदे डाली है। इसमें थोड़ा सा मैं पानी और गर्म डालूंगा। अब दोस्तों क्या करना है, अब दोस्तों इसको जो है ऐसे हमने लेना है, तौलिया लेना है अपने पीछे, ऐसे तौलिया लेकर इसका जो है हमको ऐसे स्टीम लेना है। इस तरह दोस्तों करके इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टीम लेना है। अब दोस्तों ये इस तरह लाइव मैंने आपको करके दिखाया। अब दोस्तों इसके जो है फायदे मैं आपको बताऊं, दोस्तों इसको करना कैसे है। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है, लमसम 20 बार जो है नाक से सांस लेकर मुंह से छोड़नी है। उसके बाद क्या करना है, मुंह से सांस लेनी है और नाक से छोड़नी है। दोस्तों इस तरह करने के बाद दोस्तों जैसे कि आप अभी इसको पहली बार स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, तो आपने जो है 1 से 2 कैप्सूल्स, एक ही कैप्सूल या 2 कैप्सूल इसके अंदर डालनी है हमारे अमृत शक्ति की। और जो इसकी स्टार्टिंग है 5 से 6 बूंदे आपने डालनी है। अगर आप अभी स्टार्ट करो, धीरे धीरे इन सब की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप इसका स्टीम ले रहे हैं तो अपनी आँखें बंद करके रखनी है, ठीक है। वैसे आंखें खुली रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादातर क्या करना है, आपने आंखें बंद करके रखनी है, क्योंकि जब आप स्टीम लेंगे तो आंखों से आपके पानी आ सकता है अगर आपकी आंखें खुली होंगी, क्योंकि ये टी ट्री ऑयल है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसकी अपने अपनी आंखें ज़्यादातर बंद ही रखनी है। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों ये फ़ायदा हमको किस किस चीज़ में करने वाला, देखिए दोस्तों अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम है, किसी को अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसके बाद दोस्तों अगर किसी को सर्दी जुखाम हुआ है, दोस्तों किसी का नाक बंद है या सर्दी जुखाम हुआ है, उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। और उसके बाद दोस्तों किसी को खांसी की प्रॉब्लम है, उसके दोस्तों जब हम नाक से इसको खींचते हैं और मुंह से खींचते हैं और नाक से छोड़ते हैं, दोस्तों खांसी की जो उनको कोई प्रॉब्लम होती है ना, उसमें भी ये बहुत ही कारगर है। और दोस्तों ये हो सकता है कोरोना वायरस से भी हमको बचाने में फ़ायदेमंद हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हमारे अंदर की जितने भी इन्फेक्शन है उन सबको दूर करता हूँ। जब हम इसका स्टीम लेते हैं ना दोस्तों, हमारी स्किन पर भी अच्छा ग्लो आता है दोस्तों, ठीक है आप। और दोस्तों इसको ट्राई करने के लिए आपने 2 से 3 दिन का गैप रखना है, मतलब 2 दिन के बाद आप इसको ट्राई कर सकते हो। स्टार्टिंग में 5 से 6 बूंदे इसकी लेनी है जब आप नए नए स्टार्ट कर रहे हैं, और इसकी एक कैप्सूल गर्म पानी में डाल के ऐसे आप स्टीम ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मोदी केयर में आने वाले नए अपडेट्स की जानकारी और नए ऑफरों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।